कैसी हो तुम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं पापा, बस मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। हाँ बेटा, मैं भी बहुत मिस करता हूँ, लेकिन जिंदगी में ऐसा तो होता है। छोड़ो, ये बताओ काम कैसे चल रहे हैं? ओ डैडी, इतनी गड़बड़ थी, द थिंग वाज अ मेस, मगर अब फिक्र की कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। बेटा, अपनी मामा से मिली? जी पापा, मैं मिली थी उनसे और उनके भेजे हुए जायदाद के डॉक्यूमेंट्स मैंने वापस कर दिए हैं उनको। देखो बेटा, ये तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन बेटा ख्याल रखना, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी मामा है। पापा प्लीज, इतना कुछ सहने के बावजूद आप उनका फेवर करते हैं। बात फेवर की नहीं है बेटा। देखो बेटा, हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। मैंने तो ये सोचकर तुम्हें सब कुछ बता दिया कि अगर कहीं किसी और से तुम्हें कुछ पता चल जाता तो तुम सोचती कि तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ छुपाया है। अच्छा छोड़िए पापा, आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? Perfectly all right। चलो जाओ बेटा, मेरी फिक्र मत करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। नो पापा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद से सॉल्व करूंगी, ताकि मुझमें कॉन्फिडेंस तो आ सके। आप फिक्र मत करें। गुड, हमारी बेटी समझदार हो गई है। अच्छा ये बताइए, आप कब आएंगे? मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आइएगा। अभी तो मुश्किल है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ओके, टेक केयर बेटा, बहुत ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
पता नहीं पापा, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनसे मिलूं। बुरी बात बेटा, बहुत बुरी बात। लेकिन पापा, उन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक तो नहीं किया। बेटा बेटा, वो मजबूर थी। चार भाइयों की अकलौती बहन, वो भी सबसे छोटी, बहुत बहुत लाडों में पड़ी थी बेटा। उसकी इसी जिद की वजह से तो उसके भाइयों ने मजबूर होकर हमारी शादी कर दी। लेकिन बेटा, उन्होंने मुझे दिल से कभी तस्लीम नहीं किया था। वो उसे बार बार ये एहसास दिलाते रहते थे बेटा कि उसने एक कमतर आदमी से शादी की है। और बेटा, अगर पत्थर पर भी कतरा कतरा पानी गिरता रहे ना, तो उसमें भी सुराख हो जाता है। वो तो फिर औरत है, नरम दिल की मर्द, भाइयों के सामने सहमी हुई। बेटा बेटा, उस पर बहुत दबाव था। वो इसीलिए लाशौरी में वो सब कुछ कह जाती थी जो उससे कहलाया जाता था। वो खुद ऐसे नहीं थी बेटा। पापा, अगर वो खुद ऐसी नहीं थी तो फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? रिश्ते बेटा, रिश्ते। रिश्ते हमारी जिंदगी में बहुत अहम होते हैं बेटा। ये चिपके चिपके गैर महसूस तरीके से हमारे गिर्द अपना घेरा तंग करते जाते हैं। मेरे भी तो रिश्तेदार थे ना बेटा। वो मुझे समझाने के बजाय भड़का दिया करते थे बेटा। बेटा, ये फैसला हम दोनों का नहीं था, बल्कि हम दोनों के रिश्तेदारों का था। और जब हमारे रिश्तेदार रफ्ता रफ्ता अपने कामों में उलझते गए और हम तन्हा रह गए, तो हमें एहसास हुआ कि हमने तो कभी भी ये नहीं चाहा था। और बेटा, ये एहसास हमें वक्त ने दिलाया। जरा बेटा, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तो पापा, अगर उन्हें एहसास हो गया तो फिर वो एक्सक्यूज क्यों नहीं कर लेती? लेकिन जारा बेटा, यही सवाल तुम मुझसे भी तो कर सकती हो। नो पापा, इट्स हर फॉल्ट, एक्सक्यूज उनको करना चाहिए। नो बेटा, ये अना है, और अना हमें एक दूसरे पर बर्तरी का एहसास दिलाए रखती है। सच बोलने और अपनी गलती तस्लीम करने का हौसला छीन देती है बेटा। यह ना बहुत खतरनाक चीज होती है, और ये दूसरों से ज्यादा खुद हमें नुकसान पहुंचाती है बेटा। फिर पापा, हमें क्या करना चाहिए? बेटा लुक, हम दो हैं, हम एक दूसरे से दिल की बातें कह सकते हैं। लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मा बहुत अकेली रह गई है। उसके सारे भाई एक एक करके उससे जुदा हो गए। वो अपनी भतीजी से तो दिल की बातें नहीं कह सकती। उसे कैसे कह सकती है कि उसका बाप उसे दूसरों के साथ मिलकर अकेला कर गया? बेटा, मैंने एक अकलमंदी की थी कि मैंने तुम्हारी मामा को तलाक नहीं दी, और उसने भी शायद ये सिर्फ इसलिए नहीं की कि वो अब तक तुमसे और शायद मुझसे भी मोहब्बत करती है। बेटा, तुम्हें उससे मिलते रहना चाहिए। काश पापा, आप मुझे ये बात पहले बता देते। पापा, मैंने अपने और उनके दरमियान बहुत फासले पैदा कर दिए। लेकिन बेटा, ये फासले इतने तो नहीं ना कि तय नहीं किए जा सकते। बेटा, मेरे और उनके दरमियान तो बरसों के फासले हैं। और बेटा, अगर मैं उनकी तरफ चलता भी हूं, तो
वो एक कदम भी नहीं उठाएगी बेटा। हाँ पापा, मुझे भी लगता है कि वो मैं जानता हूँ बेटा, मैं उसे उससे ज्यादा जानता हूँ बेटा, इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। That's like a good girl. कैसी हैं आप? मिस्टर ताला, अगर उम्मीद के माँ बाप मोमो को माफ कर दें तो वो बच सकती है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मकामी कानून के मुताबिक ऐसा हो सकता है। हाँ, कोशिश तो की जा सकती है मिस्टर ताला। हीरा, वैसे आप ट्राई कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होना मुश्किल है। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। ओके देन हीरा, आप मुझे बताइए जो भी डेवलपमेंट होती है सिलसिले में। ओके, थैंक यू। आइए। अरे मेरे तो जहन में नहीं रहा, हमारा आपका तो आज अपॉइंटमेंट, तो प्लीज बैठिए। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बैठिए प्लीज। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताइए, क्या पियेंगे आप, चाय कॉफी कोल्ड? नो थैंक्स। तो सर, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इत्तेफाक से बात नहीं हो पाई। जी मैं काफी मसरूफ थी। वैसे मिसेस काजमी के साथ जो ट्रेजेडी हुई उसका तो इल्म आपको हो गया होगा। क्या, कैसी ट्रेजेडी? देखिए, हीरा की मंगनी के सिलसिले में एक साहब अनीब अमेरिका से आए थे। अदालत इन शवाहिद और बयानात को मद्देनजर रखते हुए मुलजिमा इंसान राजिद अली को 3 साल कैद की सजा देती और जेल इंतजामिया को हिदायत करती
کہ ملزمہ کی ذہنی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے طبی معائنے کا بندوبست کیا جائے اور پابندی سے اس کا علاج کرایا جائے۔